दादी अम्मा आप हमें कहानी नहीं सुनाएंगी? अबे रोज ही तो कहानी सुनते हो, आज मुझे नींद आ रही है, आज कोई कहानी वहानी नहीं होगी। दादी अम्मा, दादी अम्मा, आप जब तक हमें कहानी नहीं सुनाएंगी हम आपको सोने भी नहीं देंगे। शोर मचाओ, इतना शोर मत करो। कौन सी कहानी सुनोगे दादी अम्मा? शेर वाली कहानी। शेर वाली? शेर की कहानी तो तुम बहुत दफा सुन चुके हो। अच्छा चलो खैर, आज तुम्हें पोदने और पोदनी की कहानी सुना दी। पोदनी? भाई कहानी सुनिए तो खामोश बैठो। अच्छा दादी दादी, तो सुनो पोदने और पोदनी की कहानी। मगर कहानी शुरू करने से पहले ये तो बता दें तुम्हें कि पोदना और पोदनी होते क्या हैं। बच्चों ये एक बहुत ही छोटे से परंदे का नाम है। तुमने गौरैया देखी है ना, उसे अंग्रेजी में स्पैरो कहते हैं। पोदने इनसे भी छोटे होते हैं, भूरे रंग के, सुर्ख रंग की नहायत तेज चोंच होती है इनकी, और उनके सिर पर छोटा सा ताज जैसा एक पर भी होता है। यही वजह है कि आमतौर पर ये सिर्फ राजाओं महाराजाओं के खेत में जाकर दाने खाते हैं। हाँ तो बच्चों बहुत दिनों की बात है कि किसी राजा के खेत के करीब एक छोटे से दरख्त पर एक पोदना और पोदनी रहते थे। पोदनी बहुत ही खूबसूरत और बेतहा शरीर थी। उसे जब भी मौका मिलता वो राजा के खेत में दाने खाने चली जाया करती। पोदनी ने एक दिन उसे समझाया, एक पोदनी तू हर रोज एक ही राजा के खेत से दाने न खाया कर। क्यों? किसी दिन राजा को गुस्सा आ गया तो वो बहुत नाराज होगा और तुझे सजा भी देगा। मगर पोदनी हंसकर कहती है, जब इतना अच्छा खेत हमारे बिल्कुल करीब मौजूद है तो मैं दाने खाने किसी दूर के खेत में क्यों जाऊं? मैं दूसरे खेत से दाना खाऊंगी। और ये कहकर पोदनी दरख्त से उठकर खेत की तरफ चली गई। पोदनी, अरे पोदनी, अरे पोदनी मेरी बात तो सुन, सुनना कर पोदनी। देख अगर राजा ने पकड़ लिया तो मुसीबत आ जाएगी। पोदनी नहीं मानती तो जा। पोदने को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ और राजा के सिपाही उसके पास शिकायत लेकर गए। सरकार सरकार, शाही खेत की फसल दिन ब दिन खराब होती जा रही है सरकार। कौन खराब करता है हमारी फसल? क्या बताऊं सरकार, वही कमबख्त पोदनी है, सारा दिन दाने चुगती रहती है, किसी और खेत की तरफ जाती ही नहीं। उस छोटी सी चिड़िया की ये मजा, जाओ उसको पकड़ के कैदखाने में बंद कर दो। जो हुक्म सरकार। शाम हो गई, सारे परंदे अपने अपने घोंसलों में वापस आ गए, मगर पोदनी का कोई पता न था। पोदने को फिक्र हुई कि मेरी पोदनी आखिर कहाँ चली गई। उसने वापस आते हुए कब्बे से पूछा, भाई कब्बे, भाई कब्बे, मेरी पोदनी अभी तक घर नहीं आई, तुमने कहीं देखा तो नहीं? नहीं भाई, मैंने तो नहीं देखा। कब्बे के बाद उसको एक मैना नजर आई। मैना? मैना बहन, मेरी पोदनी अभी तक घर नहीं आई, तुमने तो कहीं नहीं देखा? नहीं भाई पोदने, मैंने तुम्हारी पोदनी को नहीं देखा। और मैना के बाद खेत की तरफ से आता हुआ एक तोता मिल गया। भाई तोते, ए भाई तोते, मेरी पोदनी अभी तक घर नहीं आई, आपने तो नहीं देखा उसे? क्या बताऊं भाई पोदने, उसको तो राजा के सिपाही पकड़ कर ले गए हैं। पोदने को पहले तो बहुत अफसोस हुआ, मगर उसने फौरन ही सोचा कि सिर्फ अफसोस करने से क्या फायदा, जिस तरह भी हो उसे छुड़ा कर तो लाना ही पड़ेगा। बेचारा छोटा सा पोदना इतना बड़ा सफर कैसे करता? उसने जंगल से कई सरकंडे जमा किए और उनको जोड़कर एक गाड़ी बनाई, फिर उसके आगे दो मेंढक बांधे जो गाड़ी को खींच सकते थे, और फिर वो गाड़ी पर बैठकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। कुदुम कुदुम भाई कुदुम कुदुम, कुदुम कुदुम भाई कुदुम कुदुम। मियां पोदने अभी थोड़ी ही दूर गए थे कि रास्ते में उनको एक बिल्ली मिल गई। भाई पोदने, भाई पोदने, कहाँ जा रहे हो? मियां पोदने ने बिल्ली को जो देखा तो गुस्से से जवाब दिया, सरकंडों की गाड़ी बने दो मेंढक जोते जाएं, राजा मारे पोदने हम मरने मरने जाएं। बिल्ली ने जो ये सुना तो उसको बहुत ही गुस्सा आ गया। कहाँ इतना बड़ा राजा और कहाँ इतनी छोटी सी पोदनी, ये तो सरासर जुल्म है।
और फिर बिल्ली को यह गुस्सा भी तो था कि उसको राजा के महल से पीने को दूध और खाने को छिछड़े तक नहीं मिलते थे। बिल्ली ने पोदने से कहा, मियाओ, मियाओ, हमें भी अपने साथ ले चलो। मियाँ पोदने बहुत खुश हुए और बोले, घुस घुस मेरे कान में घुस। और बिल्ली पोदने के कान में घुसकर बैठ गई। अब चले पोदने मियाँ। कुदुम कुदुम भाई कुदुम कुदुम। बिल्ली को कान में छुपाए मियाँ पोदने थोड़ी ही दूर गए थे कि उनको कतार बांधे चींटियों की एक फौज मिल गई। एक चींटी ने मियाँ पोदने को जो इस तरह जाते हुए देखा तो पूछा, भाई पोदने, भाई पोदने, कहाँ जा रहे हो? मियाँ पोदने ने गुस्से से जवाब दिया, सरकंडों की गाड़ी बने तो मेंढक जोते जाएं, राजा मारे पोदने हम लड़ने मरने जाएं। चींटियों ने जो ये सुना तो उनको राजा पर बड़ा गुस्सा आया। इतने छोटे से परंबे को उसने कैद कर रखा है। सबने एक साथ कहा, मियाँ पोदने ने खुश होकर कहा, खुश खुश मेरे कान में खुश। और तमाम चींटियां सरसराती हुई उसके कान में घुस गईं। बिल्ली को और चींटियों को कान में बिठाए मियाँ पोदने और आगे बढ़े। कुदुम कुदुम भाई कुदुम कुदुम। रास्ते में एक दरिया आ गया। मियाँ पोदने ने दरिया पार करना चाहा तो दरिया ने पूछा, भाई पोदने कहाँ जा रहे हो? मियाँ पोदने ने उसको भी वही जवाब दिया, सरकंडों की गाड़ी बनी तो मेंढक जोते जाएं, राजा मारे पोदने हम लड़ने मरने जाएं। दरिया ने जो ये सुना तो उसको भी गुस्सा आ गया। इतने छोटे से परंदे को इतने बड़े राजा ने कैद कर रखा। दरिया ने भी कहा, हमें भी अपने साथ ले चलो भाई पोदने। मियाँ पोदने इस पर और भी बहुत खुश हुए और कहा, खुश खुश मेरे कान में खुश। और सारे का सारा दरिया शा 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 करता पोदने के कान में घुस गया। इस तरह मियाँ पोदने बिल्ली को चींटियों को और दरिया को अपने कान में छुपाए राजा के महल के करीब पहुंच गए। पोदने अपनी छोटी सी गाड़ी पर सवार राजा के महल में दाखिल हुए। सिपाहियों ने जो उन्हें देखा तो हंसी से लोटपोट हो गए। अरे भाई पोदने, ये तुम्हारी शाही सवारी कहाँ जा रही है? मैं तुम्हारे राजा से लड़ाई करने आया हूँ, उससे कह दो मेरी पोदनी फौरन वापस कर दे वरना मैं तुमसे कुत्ता कर दूंगा। तबाह कर दूंगा? सुना दोस्तों, ये हमको तबाह करने आया है। और जाओ अपने राजा से जाकर कह दो मेरी पोतनी को फौरन छोड़ दे वरना लड़ने के लिए तैयार हो जाए। आखिरकार एक सिपाही राजा के दरबार में हाजिर हुआ और सारा वाक्य सुनाया। क्या कहा, मुझसे लड़ने आया है गुस्ताख परिंदा, जाओ उसे मुर्गी खाने में बंद कर दो, मुर्गियां चौंचे मार मार कर रातों रात उसे खत्म कर देंगी। और इस तरह राजा के सिपाहियों ने मियाँ पोदने को मुर्गी खाने में बंद कर दिया। रात हुई तो मियाँ पोदने अपनी जगह से उठे और उन्होंने आहिस्ता से बिल्ली से कहा, मानो बिल्ली नाम शुरू करो तुम अपना काम। म्याऊ म्याऊ करते हुए बिल्ली कूद कर उसके कान से बाहर निकली। कितने दिन से बेचारी भूखी थी, पहले तो उसने खूब पेट भरकर मुर्गियों की दावत उड़ाई। और फिर जो मुर्गियां बच गईं, उनकी गर्दनें मरोड़ मरोड़ कर उनको खा ली ताकि वो म्याऊ बोलने को चोंच न मार सके। फिर बिल्ली ने एक बड़ी सी डकार ली और वापस मियाँ पोदने के कान में घुस बैठ गई। और फिर मियाँ पोदने एक कोने में लेट कर मजे से सो गए और खर्राटे भरने लगे। सुबह हुई तो सिपाही मुर्गी खाने से मियाँ पोदने की लाश उठाने के लिए आए।
अरे सारी मुर्गियां मरी पड़ी हैं। है? वो देखो कोने में पोतना भी मरा पड़ा है। नहीं नहीं वो तो सो रहा है शायद। वो देखो वो अंगड़ाई लेकर उठ रहा है। देख लिया ना अपनी मुर्गियों का अंजाम। मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन कमजोर नहीं। जाओ अपने राजा से कह दो कि अगर अपना भला चाहता है तो मेरी पोतनी को रिहा कर दे। सिपाही भागे भागे अपने राजा के पास गए और सारा वाकया कहा। तो ये बात है, आज की रात इस मूसी को हाथी खाने में डाल दो। हाथी का एक पांव ही इसे कुचल कर मार डालने के लिए काफी होगा। और राजा के सिपाहियों ने इसके हुक्म के मुताबिक मियां पोदने को हाथी खाने में बंद कर दिया। इस बार भी जब रात हुई तो मियां पोदने पहले की तरह अपनी जगह से उठे और चींटियों की फौज से कहा, सुनती हो भाई चींटियों, लेकर अब अल्लाह का नाम शुरू करो तुम अपना काम। चींटियों की पूरी फौज मियां पोदने के कान से निकली और हाथियों की सूंड में घुस गई। हाथियों ने चीखना चिंघाड़ना शुरू कर दिया मगर चींटियों ने हाथियों की सूंड में दाखिल होकर इतना काटा सारे के सारे हाथी पागल होकर मर गए और फिर चींटियां सूंड से बाहर निकली और मियां पोदने के कान में घुसकर बैठ गई। मियां पोदने हाथियों से छुटकारा हासिल करने के बाद खुद भी आराम से कोने में लेटकर सो गए। ठीक है मजा दिए मम्मी। शायद अपन तो खाले में बताती हूँ। हाँ तो दूसरी सुबह जब सिपाही हाथी खाने में आए तो उनसे मियां पोदने ने फिर कहा, देखिए इस बार अपने हाथियों का अंजाम। मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन कमजोर नहीं। जाओ अपने राजा से कह दो कि अगर आप भी अपना भला चाहता है तो मेरी पोतनी को फौरन छोड़ दे। इस बार भी सिपाही भागे भागे अपने राजा के पास गए और सारा वाकया बयान कर दिया। नहीं मानेगा वो कमबख्त, आज की रात उसे मेरे कमरे में रखो। सुबह होते ही मैं खुद उसे अपनी तलवार से खत्म कर दूंगा। और इस तरह मियां पोद ने राजा के कमरे में बंद कर दिया। रात हुई तो राजा अपने कमरे में आया और उसने अपनी तलवार खूब तेज की और बिस्तर के सिरहाने रख ली और आराम से बिस्तर पर लेटकर खर्राटे भरने लगा। मियां पोदने फुदकते हुए राजा के बिस्तर के करीब आए और दरिया से कहा, भाई दरिया, ए भाई दरिया। हाँ भाई पोदने। लेकर रब अल्लाह का नाम शुरू करो तुम अपना काम। और दरिया नहायत तेजी के साथ पोदने के कान से निकला और देखते ही देखते पूरे महल को अपने लपेट में ले लिया। ये शोर सुनकर जब राजा की आंख खुली तो ये देखकर वो खौफ के मारे कांपने लगा। पूरे महल में पानी भर चुका था। राजा का अपना बिस्तर भी पानी के ऊपर तैर रहा था। राजा के लिए अब बचकर निकलने का कोई रास्ता बाकी नहीं था। उसने भी शोर मचाना शुरू कर दिया। मियां पोदने जो रोशनदान पर चढ़े बैठे थे राजा की हालत देखकर मुस्कुराए और बोले, मियां राजा अब कहां गई तुम्हारी ताकत तुम्हारा होर, अब शोर क्यों मचाते हो। राजा ने जब मियां पोदने की आवाज सुनी तो हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। भाई पोदने, भाई पोदने, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बचा लो अल्लाह के वास्ते, मैं तुम्हारी पोदनी को अभी रिहा कर दूंगा। भाई पोदने, पोदने मियां कहने लगे, जान बचाने के बाद पक्का वादा भूल तो नहीं जाऊंगे। नहीं भाई पोदने, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं वादा करता हूँ कि आपके बाद कभी किसी पोदने या पोदनी को गिरफ्तार नहीं करूंगा। किसी को अपने से कमतर और कमजोर नहीं समझूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं वादा करता हूँ भाई पोदने। मियां पोदने ने जब अच्छी तरह तसल्ली कर तो रोशनदान से उतरकर राजा के बिस्तर पर आकर बैठ गया और दरिया से कहा,
देखते ही देखते दरिया का सारा पानी मियां पोदने के कान में घुस गया और राजा ने इत्मीनान का सांस लिया और फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया। सुनो, पोदनी बहन को निहायत इज्जत और एहतराम के साथ इसी वक्त जनाब पोदने के साथ रवाना कर दिया जाए। कैद से रिहा होने के बाद पोदनी ने जैसे ही मियां पोदने को देखा तो वो एकदम पोदने के गले लग गई और मारे खुशी के उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। मेरी पोदनी, मेरी पोदनी, तुम्हें क्या बताऊं, मुझे कैसे कैसे तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ी। मैं वादा करती हूँ कि आइंदा कभी किसी राजा के घर से दाने नहीं खाया करूंगी। मैं हमेशा तुम्हारा कहा माना करूंगी। मेरी पोदनी, मेरी पोदनी, अब ऐसे मत बहा, एक वक्त पर बंद कर ये रोना धोना। मैंने तेरे लिए सारा इंतजाम कर दिया है, चल उठ चले। और मियां पोदने अपनी पोदनी को लिए खुशी खुशी घर वापस हुए। रास्ते में दरिया की जगह दरिया को, खुदा हाफिज पोदने भाई, चींटियों की जगह चींटियों को और बिल्ली की जगह बिल्ली को, सबको अपनी अपनी जगह छोड़ते हुए घर पहुंचे और दोनों हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजारने लगे। क्योंकि उस दिन के बाद से कभी किसी राजा ने पोदने या पोदनी को दाना खाने के जुर्म में गिरफ्तार नहीं किया। दादी अम्मा, कहानी तो बहुत मजे की थी, बहुत मजे की थी दादी। तुमने समझ लिया ना अच्छी तरह कि दूसरों को कमजोर और कमतर समझने वालों का ये अंजाम होता है। दूसरा सफर। हाँ तो बच्चों, कैसेट कहानी नंबर 3 में सिंबा जहाजी के पहले सफर की दास्तान तो आप सुन ही चुके हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं इसके बाद क्या हुआ। बगदाद शहर का गरीब कुली हिमबाद वादे के मुताबिक दूसरी शाम को सिंबा जहाजी के घर पहुंच गया। आइए भाई हिमबाद, अंदर चलें। सिंबाद अपने मेहमान को लेकर खाने के कमरे में जाता है। दोनों पूर्व तकल्लुफ खाना खाते हैं। फिर हिमबाद कहता है, हुजूर, मैंने बड़ी बेचैनी से सारा दिन गुजारा है, कब शाम हो और मैं आपके पास आऊं और आपके दूसरे सफर की दास्तान सुनूं। मैं तो खुद भी आप ही के इंतजार में था, कहिए तो शुरू करूं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह के फजल से मैंने अपने पहले सफर में ही इतनी दौलत कमा ली थी कि बगदाद शहर के अमीर लोग मेरे बारे में बातें करने लगे थे। सिंबाद तो इतनी दौलत कमा चुका है कि सारी उम्र बैठकर खाए तो खत्म ना हो। दौलत, मेरा तो ख्याल है उसकी औलाद की औलाद भी खाती रहे तो भी खत्म ना हो। मगर आप देखिएगा, वो चैन से नहीं बैठेगा, जल्दी ही किसी न किसी सफर पर निकल पड़ेगा। हाँ, दौलत बड़ी बुरी चीज होती है भाई। ये बात नहीं, उसको दुनिया देखने का सैर करने का शौक है। मेरे दोस्त ने ठीक ही कहा था, नए नए लोगों से मिलने के लिए, नई नई जगह देखने के लिए मैंने एक बागवानी जहाज में बहुत सारा सामान वगैरह लदवाया और एक नए सफर पर निकल पड़ा। हम कई बंदरगाहों पर गए, कई जजीरों पर रुके और अपना सामान अच्छे अच्छे दामों बेचते हुए आगे बढ़ते रहे। चंद दिनों के सफर के बाद हमारे जहाज में कुछ खराबी पैदा हो गई और हमें एक छोटे से जजीरे पर रुकना पड़ा। जहाज जब साहिल पर लग गया तो कप्तान ने कहा, दोस्तों, जहाज में बहुत मामूली सी खराबी पैदा हो गई है, उम्मीद है मैं इसे जल्द ही ठीक कर लूंगा। आप लोग चाहे तो जजीरे पर जा सकते हैं, मगर जल्द ही वापस आने की कोशिश करना। अरे आओ, देखो देखो, ये देखो, ये तो बहुत ही खूबसूरत जजीरा है। हाँ,
यहाँ तो हर तरफ फूल ही फूल है। और देखो ना वो घास देखो कितनी अच्छी है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कालीन बिछा दी हो। अरे वो देखो वो उस पेड़ पर तो फल भी नजर आ रहे हैं। फल देखो पहले कौन तोड़ता है। अपने साथियों के साथ खेल कूद और भाग दौड़ने में भी शामिल हो गया। मैं भागते भागते अपने साथियों से काफी दूर निकल आया और जब थक गया तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर लेट कर आराम कर लूं फिर चलूंगा। एक दरख्त के नीचे मैंने अपनी चादर बिछाई और लेटते ही सो गया। वो देखो वो हरी झंडी। हाँ हाँ जहाज ठीक हो गया, कप्तान साहब हमें बुला रहे हैं। कोई इशारा कर रहे हैं, आओ आ जाओ भैया, सब लोग बाहर चले गए, आओ 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 जहाज पर आ जाओ जल्दी आओ। भैया सब लोग आगे, कोई छूट तो नहीं गया। अरे नहीं सब लोग है, कोई छूटेगा नहीं, आओ चलो आ जाओ। काफी देर बाद जब मेरी आंख खुली तो अरे ये सब लोग कहां चले गए। ये तो अपना ही जहाज है, फिर अब वहां पहुंचा कैसे जाए, उसका तो बादबान भी नजरों से गायब होता जा रहा है। और आप उस जजीरे पर बिल्कुल अकेले रह गए। हाँ भाई, पहले तो मैं बहुत घबराया, फिर मैंने सोचा जजीरे का हाल मालूम करने के ख्याल से अल्लाह की तरफ से इसमें भी कोई ना कोई बेहतरी जरूर होगी, और मैंने एक पेड़ के ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो क्या दूर वो सफेद सा गेंद कैसा पड़ा है। अच्छा ये गेंद नहीं है, कोई इमारत मालूम होती है, तकरीबन 50 कदम तक फैली हुई। मगर ये कैसी इमारत है, न खिड़की न दरवाजा और न अंदर जाने का रास्ता। ये कैसी आवाज थी, अंधेरा क्यों छाने लगा। अभी तो सूरज भी और नहीं हुआ, फिर ये अंधेरा कैसा। उकाब इतना बड़ा उकाब, ये मेरी तरफ क्यों चला रहा है। अच्छा तो ये बात है, जिसको मैं सफेद गेंद और गोल इमारत समझ रहा था वो असल में उकाब का अंडा निकला। इतना बड़ा अंडा, इसी से अंदाजा लगा लो उकाब खुद कितना बड़ा होगा। उकाब ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। बिल्कुल नहीं, बस आराम से आकर अंडे पर बैठ गया। फिर जब काफी देर गुजर गई तो मैंने सोचा इस जजीरे से बाहर निकलने के लिए मुझे खुद को उकाब के पैरों के साथ बांध लेना चाहिए। मैंने जल्दी जल्दी अपनी पगड़ी उतारी, खूब मजबूती के साथ उसके पैरों से मिलाकर अपने आप को बांध लिया और उकाब के उड़ने का इंतजार करने लगा। सारी रात गुजरने के बाद जब सुबह हुई तो यूं लगा जैसे उकाब अब उड़ने वाला है। ये तरकीब काम आ गई, मैं उड़ने लगा, मैं तो हवा में उड़ने लगा। ये तो ऊपर ऊपर जा रहा है, यहां से जमीन कितनी छोटी नजर आ रही है, और वो एक जजीरा तो नजरों से गायब ही हो गया। पानी पानी है, ये क्या मैदान छोड़कर पहाड़ों की तरफ कहां चल पड़ा। ये अरे ये तो किसी वादी में उतरना चाह रहा है, मुझे पहले ही कूद जाना चाहिए, कहीं इसके पैरों के नीचे आकर दब ही न जाऊं। मगर उकाब जमीन पर उतरने के बजाय बहुत बड़े सांप को अपनी चोंच में दबाकर दोबारा उड़ गया और नजरों से गायब हो गया। और आप यहां भी तन्हा रह गए। सिर्फ यही नहीं बल्कि जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो मालूम हुआ कि वादी तो चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है और यहां से भी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अच्छा फिर क्या हुआ। मैंने जब अपने पैरों के पास बिखरे हुए छोटे बड़े पत्थरों को देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। या अल्लाह इतने सारे हीरे और एक एक हीरा मेरी मुट्ठी से भी बड़ा। मैं इनको बेचकर तो बगदाद शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। मगर मैं इस वादी से निकलूंगा कैसे। सांप नहीं बल्कि वो तो अजदहे थे और इतनी बड़े कि अगर चाहें तो हाथी को भी निकल जाएं। मैं पहले तो एक तरफ हट गया, फिर मैं वहां से भागा और बड़ी मुश्किल के बाद रात तलाश करके उसमें रात गुजारने का फैसला किया।
अजय देखकर मैं इतना डर चुका था कि मैंने सारी रात घर के अंदर बैठकर गुजार दी। सुबह हुई तो मैं घर से बाहर निकला, क्या देखता हूं कि सारे सांप और अजय एक एक करके आसपास के घरों में छुपे जा रहे हैं। पता नहीं वो सूरज की रोशनी से छुप रहे थे या उकाब से बचने के लिए ऐसा कर रहे थे। मैं सारी रात का जागा हुआ था, थक भी गया था। ठंडी हवा जो लगी तो खुले आसमान के नीचे चादर तान कर आराम से सो गया। अभी मेरी आंख लगी ही थी कि अचानक जोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैं घबरा कर उठ बैठा, चीजों के गिरने की आवाजें बढ़ती जा रही थी। मैंने देखा कि गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े पहाड़ों की तरफ से वादी में गिर रहे हैं। बड़ी बड़ी चीली उनकी तरफ लपकती है और गोश्त के टुकड़ों को अपने बच्चों में दबाए पहाड़ी की तरफ उड़ जाती है। अब जो मैंने गौर से देखा तो मालूम हुआ असल में ये चीली सिर्फ गोश्त नहीं उठा रही है बल्कि इसके साथ चिपके हुए हीरे उठाकर पहाड़ी पर पहुंचा रही है। ये कहीं वही वादी तो नहीं जिसके बारे में मैंने सुन रखा था कि दूर दूर से सौदागर आकर इसी तरह गोश्त फेंक फेंक कर चीलों के जरिए कीमती हीरे हासिल करते हैं। वादी से निकलने और हीरे हासिल करने की तरकीब मेरे जहन में आ चुकी थी। मैंने जल्दी जल्दी बहुत सारे हीरे चुनकर अपनी जेब में डाल लिए। फिर मैंने गिरे हुए गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े उठाए, उनको अपनी पीठ पर कस कर बांध लिया और जमीन की तरफ मुंह करके लेट गया। बिल्कुल खामोशी के साथ सांस रोककर। और फिर वही हुआ जिसकी मुझे उम्मीद थी। एक बड़ी सी चील आई, मेरे पीठ पर बंधे हुए गोश्त को एक झपट्टा मारकर उठा ले गई और काफी देर तक हवा में उड़ते रहने के बाद उसने मुझे अपने घोंसले में गिरा दिया। घोंसले में पहुंचते ही चील के बच्चों ने गोश्त पर हमला करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे चंद आदमियों की आवाजें आईं और मैं समझ गया कि ये जरूर वही सौदागर हैं जो अब घोंसले से हीरे उठाने आए हैं। शोर सुनकर चील घोंसले से उड़ गई। सौदागरों का शोर मेरे करीब आता था। ये क्या, ये तो आदमी है। करीब चलकर देखो। पता नहीं बेहोश है या मर गया। नहीं भाई, मैं जिंदा हूँ। मगर तुम हो कौन और यहाँ कैसे आए? सब बता दूंगा, पहले मुझे नीचे तो उतरने दीजिए। मैंने उनको अपनी सारी कहानी सुनाई। मेरे पास जो हीरे थे वो हमने आपस में बांट ली और मैं उनके साथ उनके शहर चला गया। चंद दिनों आराम करने के बाद मैंने सौदागर दोस्तों से एक बादबानी जहाज लिया और बगदाद वापस आ गया। और इस तरह आपका दूसरा सफर खत्म हो गया। हाँ भाई हिंदबाद, उन हीरों को बेचकर मैं और भी अमीर हो गया और इसके बाद गरीबों की मदद करना मैंने अपनी जिंदगी का उसूल बना लिया। बड़े मजे की कहानी है हुजूर। रात काफी हो गई है और इजाजत दीजिए सरकार, सुबह उठकर मजदूरी पर भी जाना है। अच्छी बात है। लो ये चंद शर्तियां रख लो, कल शाम को जरूर आना, मैं अपने तीसरे सफर के बारे में तुम्हें बताऊंगा। हुजूर ये अशर्फियां ना दीजिए, इस तरह तो मेरी आदत खराब हो जाएगी। रख लो रख लो, जिद ना करो, आदत खराब ना होने देना और कल जरूर आना। अच्छा हुजूर, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शहजादी गुलफाम। किसी जमाने की बात है, शहर से दूर एक छोटे से गांव में
अपनी बीवी और बेटी के साथ एक मोची रहता था। गरीब मोची शहर जाने के लिए सुबह सवेरे घर से निकल जाता और रात हो जाने के बाद घर वापस आता। अपनी बीवी और बेटी से बेहद मोहब्बत करता था। जब उसकी बीवी का इंतकाल हो गया तो बेचारा मोची बहुत ही उदास रहने लगा। गांव के लोग उसे समझाने आते। मरना जीना इंसान के बस में नहीं होता है भैया। मियां, तुमने तो खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, इस तरह तो बीमार पड़ जाओगे। तुम अपने को नहीं संभालोगे तो बेटी गुलफाम का क्या हाल होगा मियां? हाँ, तुम्हारे अलावा दुनिया में उसका अब कौन रह गया है भाई। अपनी बेटी का नाम सुनते ही मोची बेचैन हो गया। मेरी बच्ची गुलफाम, मैं तेरी खातिर जिंदा रहूंगा, मैं हंसूंगा, बोलूंगा, तुझे अब और तकलीफ नहीं होने दूंगा मेरी बेटी। मोची ने आहिस्ता आहिस्ता अपने काम में दिल लगाना शुरू कर दिया। वो पहले की तरह रोज सुबह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात हो जाने के बाद घर वापस आता। एक रात जब वो घर वापस आया तो उसने अपनी बेटी गुलफाम को बहुत उदास पाया। बेटी गुलफाम, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है बाबा। तू कुछ छुपा रही है बेटी, बता क्या बात है? सारा दिन मुझसे घर में अकेले नहीं रहा जाता। अम्मी थी तो हम एक दूसरे का दिल बहलाते रहते थे, मगर अब। मोची ने जब ये बात गांव वालों को बताई तो सब ने मिलकर कहा, बेटी गुलफाम की देखभाल के लिए वैसे तो गांव में सभी लोग हैं, मगर एक जवान लड़की का सारा दिन अकेले रहना अच्छी बात तो नहीं। मेरी मानो तो मियां, दूसरी शादी कर लो। नहीं नहीं, शादी मैं नहीं करूंगा। एक जवान लड़की का बाप होकर मैं खुद शादी कर लूं तो दुनिया क्या कहेगी? दुनिया की सुनोगे या बेटी की भलाई देखोगे? बेटी की भलाई? हाँ भाई, जवान लड़की से शादी करने के लिए किसने कहा? भाई, किसी बेवा से शादी कर लो, सवाब भी मिलेगा और घर भी बस जाएगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ माई फातू से शादी कर लो, उसकी भी एक जवान लड़की है रज्जू। बेटी गुलफाम को एक बहन मिल जाएगी और तुमको एक घर वाली। काफी सोच विचार के बाद मोची ने गांव वालों की बात मानने का फैसला कर लिया और इस तरह माई फातो को बिल्कुल सीधे साधे तरीके से ब्याह कर घर ले आया। मोची को गुलफाम की तरफ से अब इत्मीनान हो चुका था, साथ में खेलने वाली एक बहन है और प्यार करने वाली एक माँ। मगर यहाँ तो मामला बिल्कुल ही उल्टा था। बदसूरत रज्जो ने गुलफाम की प्यारी प्यारी भोली भाली शक्ल देखकर ही उससे जलना शुरू कर दिया। वो बात बात पर उससे लड़ती झगड़ती और हर काम में उसको नीचा दिखाने की कोशिश करती रहती। अब्बा जी ये आलू का सालन लीजिए, ये दाल भी लीजिए ना, बहुत मजे की है। वाह, वाकई बहुत मजे की है दोनों चीजें। किसने पकाई है? मैंने पकाई है, और कौन पकाएगा? झूठ ना बोलो रज्जू बहन, तुम तो सारा वक्त अपने बनाव सिंघार में लगी रहती हो। खाना पकाना, घर के तमाम काम तुम करती हो या मैं? और बदमिजाज फातो सुबह हो या शाम बिला वजह गुलफाम को डांट डपट करती रहती। अरे गुलफाम की बच्ची, कहाँ मर गई कमबख्त? आई माँ, अभी आई। हाय हाय, तेरा सत्या नाश और नामराद, अपनी नई साड़ी धोने के लिए दी थी जगह जगह से फाड़ डालने के लिए। माँ जी, साड़ी तो बहुत पुरानी थी, बिल्कुल गली हुई, पानी से निकाल कर निचोड़ा ही था कि फट गई। मैं क्या करूँ? सवाल चलाती है मुझसे, अपनी गलती नहीं मानती, गलती काट कर दूंगी तेरी, जानती नहीं है मैं, बिल्कुल पसंद नहीं करती। गलती हो गई माँ जी। खड़ी खड़ी माफी क्या मांग रही है, चल जा अपना काम कर, काम चोर कहीं। अच्छा माँ जी। सुबह के गंदे बर्तन पड़े, उनको धोने के बाद हाथ खूब अच्छी तरह साफ करके मेरी बेटी रज्जो के कपड़े भी धो देना। जी अच्छा। पूरे घर की सफाई करने के बाद जंगल से लकड़ियां लेकर आना और फिर खाना पकाना शुरू करना, समझी? जी समझ गई माँ। अपनी सौतेली माँ और बहन का रवैया देखकर गुलफाम का दिल बहुत दुखता। उसको अपनी माँ याद आती
तो किसी कोने में छुपकर दो चार आंसू बहा लेती। उसने मोची से कभी कोई शिकायत न की, बल्कि हर वक्त उन दोनों को खुश रखने की कोशिश करती रहती। एक दिन का जिक्र है, सर्दियों के दिन थे, खूब कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, जबरदस्त बर्फबारी हो चुकी थी, सारा गांव और जंगल बर्फ में छुप गया था कि सुबह सवेरे फातो ने गुलफाम से कहा, बेटी गुलफाम, हरी हरी कच्ची कच्ची बेरियां खाने को जी चाह रहा है मेरा। जरूर माँ, जरूर, मैं आपको बेरियां जरूर खिलाऊंगी, बस जरा सर्दियां खत्म हो जाए, गर्मियां आने दीजिए, फिर मैं आपके लिए जंगल से ढेर सारी बेरियां लेकर आऊंगी, बहुत मजे की होती हैं। पागल हो गई है, मुझे बेरियां आज चाहिए, अभी। माँ जी, सारे जंगल में बर्फ पड़ी हुई है, बेरियां कहाँ से मिलेंगी? मैं नहीं जानती, जहाँ से भी वो बेरियां लेकर आओ। और ये लो, रात की बची दो रोटियां रख लो, भूख लगे तो प्याज के साथ खा लेना, मगर खाली हाथ वापस ना आना, नहीं तो मैं उल्टा लटका दूंगी, समझी? जी माँ जी। माँ जी, बाहर बहुत सर्दी है, कोई गर्म कपड़ा तो दे दीजिए। आहा, गरम कपड़ा, बड़ी आई नवाब जादी, ले ये बिस्तर की चादर ओढ़ ले और दफे हो जाए यहाँ से। गुलफाम के जाने के बाद रज्जो ने अपनी माँ से पूछा, मगर अम्मी, इतनी सर्दी में ऐसे बेरियां मिलेंगी कहाँ से? इसीलिए तो भेजा है, ताकि खाली हाथ वापस आए तो मैं अच्छी तरह डांट डपट कर सकूं। कमबख्त ऐसे अच्छे काम करती है कि डांटने का मौका ही नहीं देती, और जब तक मैं उसको डांट न लूं, मेरा तो खाना ही हजम नहीं होता। या अल्लाह, कैसी सख्त सर्दी है, ऐसे में बेरियां कहाँ से लाऊं? मेरे तो हाथ पांव बिल्कुल जम गए, अब तो चला भी नहीं जाता। अरे वो क्या, जंगल में ये झोपड़ी किसकी है? चिमनी से धुआं भी निकल रहा है, थोड़ी देर चलकर मैं आराम करती हूँ। कौन है? मैं हूँ गुलफाम, बाहर बहुत सर्दी है, मुझे अंदर आने दीजिए। आओ बेटी, आओ, अंदर आ जाओ। आपका आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलफाम ने अंदर जाकर देखा कि यहाँ तीन छोटे छोटे बोने रहते हैं, तीनों ने अपना अपना तारुफ करवाया। बेटी, मेरा नाम अपोलो है, मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मैं कपोलो हूँ। और मैं हूँ सबसे छोटा भाई टपोलो। इधर आओ बेटी, गुलफाम इधर आओ, पहले तो आग के पास बैठकर अपने हाथ पर अच्छी तरह गर्म कर लो, फिर बातें करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब बताओ बेटी, तुम इतनी सर्दी में घर से बाहर क्या लेने निकली हो? मेरी अम्मी ने कच्ची कच्ची बेरियां मांगी है, वही ढूंढने निकली हूँ। बेरियां तो बाद में तलाश कर लेना, पहले ये बताओ तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ है? हमें बड़ी भूख लग रही है। जी हाँ, जरूर जरूर, ये लीजिए। गुलफाम ने अपने हिस्से की दो रोटियों में से चार हिस्से बनाए और चारों ने आधी आधी रोटी प्याज के साथ खा ली। वाह, आज तो रोटी और प्याज खाने का मजा ही आ गया भाई। बेरियां लेकर आना तो दो चार हमें भी देती जाना। बहुत अच्छा। हाँ, जाने से पहले हमारा एक काम तो करती जाओ। जरूर, बताइए। पिछले दरवाजे के पास बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई है, मैं झाड़ू लाता हूँ, तुम अगर उसको साफ कर दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। अरे इसमें मेहरबानी की क्या बात है, अभी कर देती हूँ। अच्छा, ये लो झाड़ू। और गुलफाम ने घर से बाहर जाकर दरवाजे पर पड़ी हुई बर्फ साफ करनी शुरू कर दी। ये लड़की तो बहुत ही नेक तबीयत की है। हाँ भाई, अपने हिस्से का खाना भी हमको खिला दिया। हाँ, और अब बाहर जाकर बर्फ भी साफ कर रही है, हमें कुछ ना कुछ इनाम जरूर देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा इनाम यह है कि जंगल में इसे ढेर सारी बेरियां मिल जाएं।
और मेरा इनाम ये है कि यहाँ से जाकर जब कभी ये बात करे इसके मुंह से फूल झड़े बल्कि हीरे जवाहरात गिरे। और मेरा इनाम ये है कि किसी बहुत ही खूबसूरत शहजादे से इसकी शादी हो जाए और ये शहजादी गुलफाम बन जाए। बोने बाबा, बोने बाबा, अपोलो, कपोलो, टपोलो, ये देखिए कितनी सारी बेरियां जमा कर लाई हूँ, इसमें से आधी आप लोगों के लिए रख दूँ? नहीं बेटी नहीं, हम तो मजाक कर रहे थे। तुम सारी बेरियां घर ले जाओ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जाओ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बने बाबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आ गई नवाबजादी, कहाँ रह गई थी इतनी देर? मेरी बेरियां भी लाई है या खाली हाथी चली आ रही है? गुलफाम ने अंदर जाकर टोकरी पर से कपड़ा हटाया और खुश होकर कहा, ये देखिए कितनी सारी बेरियां लाई है आपके लिए। तेरे मुंह से कैसे जवाहरात कैसे गिर रहे हैं? मुझे नहीं मालूम माँ जी। दोनों माँ बेटियों ने जो गुलफाम का ये हाल देखा तो जल भुन कर राख हो गईं। गुलफाम ने जब पूरी कहानी उनको सुनाई तो दूसरे ही दिन फातो ने अपनी बेटी रज्जो को भी जंगल में भेजने का फैसला कर लिया। ले बेटी रज्जो, गरम गरम चार पराठे, आलू की भुजिया, अंडे का आमलेट, मक्खन और ये जेली, सब दोनों के साथ मिलकर खाना। खूब अच्छी तरह उनकी खिदमत करना, जो कहें वही करना, उनको अच्छी तरह खुश कर देना, समझे? समझ गई अम्मी, हीरों के लिए आज मुझे भी काम करना पड़ गया। बेटी सच्ची बात है, शक्ल तो तेरी गुलफाम जैसी है नहीं, हीरे जवाहरात ही देखकर तुझको रिश्ता मिलेगा। अच्छा अम्मी अब मैं जाऊं? हाँ बेटी जा, ले कंबल अच्छी तरह से लपेट ले, कहीं सर्दी ना लग जाए। अच्छा अम्मी, खुदा हाफिज। कौन है? मेरा नाम रज्जो है, दरवाजा खोलिए, जल्दी कीजिए ना। ओ, कौन हो बेटी, इतनी सर्दी में क्या कर रही हो? आओ अंदर आ जाओ। मैं तो कभी इस मौसम में घर से ना निकलती अगर हीरों की बात ना होती। जरा हटिए, मुझे आग के पास बैठने दीजिए, दरवाजा बंद कर दीजिए। भाई अब बोलो, ये कैसी लड़की है, ना शुक्रिया ना कुछ, बस सीधी अंदर घुस आई। आप लोगों को भूख लग रही होगी, मैं आपके लिए खाना निकालूं? अभी तो हमें भूख नहीं है। भूख नहीं है? आप लोग ये पराठे, ये भुजिया, ऑमलेट, मक्खन और जेली नहीं खाएंगे तो मुझे दुआ कैसे देंगे? मेरे आने का फायदा क्या हुआ? खाना आपको खाना पड़ेगा। भाई का बोलो, बड़ी मतलबी लड़की है, अपने मतलब के लिए सब कुछ कर रही है। अच्छा भाई तुम जिद करती हो तो निकालो खाना। हाँ अभी निकालती हूँ, अभी निकालती हूँ। ये लीजिए सबके हिस्से का एक एक पराठा, ये सबके हिस्से की भुजिया, ये ऑमलेट, ये मक्खन और ये रही जेली। हो जाइए शुरू। आप लोग तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता खाते हैं, भूख भी कम लगती होगी। कद छोटा है ना, बौने जो हुए। भाई टपोलो, ये लड़की तो बदतमीज भी है। मुझे भूख बहुत लगती है, आप लोगों के हिस्से में से आधा आधा पराठा ले लूं? अच्छा ले लो भाई, अब रूखा पराठा कैसे खाऊं? ये बाकी चीजें भी दे दीजिए, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। भाई अपोलो, बड़ी लालची लड़की निकली, हम सबके हिस्से का खाना भी खा गई। वाह मजा आ गया। अब बताइए झाड़ू कहाँ है? बर्फ भी तो साफ करनी है। बर्फ भी साफ करोगी? भाई आप लोगों के तो हाथ छोटे छोटे हैं, बर्फ साफ होती नहीं होगी। मैं साफ करूंगी तो आप लोग खुश हो जाएंगे, फिर मुझे दुआएं देंगे और फिर मेरे मुंह से भी उस कलमोई गुलफाम की तरह हीरे निकलने लगेंगे। सिर्फ उसके मुंह से क्यों निकले चुड़ैल कहीं की? भाई अपोलो, ये लड़की तो दूसरों से जलती भी है। भाई लाइए ना, कहाँ है झाड़ू? आप लोग हर काम में बहुत देर करते हैं। ये लो। लाओ, मैं अभी सारी बर्फ साफ करके आती हूँ। फिर जंगल से बेरियां भी तो लानी हैं।
बदबخت बोनों की खिदमत मेरी ही किस्मत में लिखी थी। मुझे तो इनकी शक्ल देखकर घिन आती है। वैसे तो मेंढकों की तरह फुदकते हैं पर अपना काम नहीं कर सकते। मैं तो इस लड़की को सजा देना चाहता हूँ। मैं भी। और मैं भी। मेरी सजा यह है कि सारे जंगल में मारी मारी फिरती रहे और इसे बेरियां ना मिले। और मेरी सजा है कि ठंडे पानी में डुबकियां लगे। और मेरी सजा ये है कि जब घर पहुँच कर ये बात करे तो इसके मुंह से मेंढक निकले। ये तो बहुत सख्त सजा हो गई भाई टपोलो। चलिए आपकी खातिर इतनी रियायत कर देता हूँ कि जब इसे अपनी गलती का एहसास हो जाए, अपनी खुदगर्जी खत्म कर दे, दूसरों से जलना छोड़ दे तो मुंह से मेंढक निकलना बंद हो जाएंगे। ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है। सुबह की गई हुई थी, शाम होने को आई। पता नहीं कहाँ रह गई मेरी बच्ची रज्जो। आ गई शायद। आ गई मेरी बेटी। बौने मिले थे? बौने तो मिले थे लेकिन बेरियां नहीं मिली। ये क्या तेरे मुंह से मेंढक? मैं तबाह हो गई, बर्बाद हो गई। आ मेरी रज्जो, अब तेरा क्या होगा? अरे इतने सारे मेंढक देखकर कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। हाय हाय, जिस तरह गुलफाम ने उनकी खिदमत की थी तूने उस तरह क्यों न की मेरी बेटी? बिल्कुल वैसे ही तो की थी अम्मी। हाय, तो फिर तेरे नसीब में मेंढक क्यों आ गए? ये जरूर उसी कमबख्त की चाल होगी। गुलफाम, ओ गुलफाम, कहाँ मर गई नामराद? जी माँ जी। माँ जी की बच्ची? बता तूने बोनों को क्या पट्टी पढ़ाई थी? मैं तो उस दिन के बाद फिर उनसे मिली भी नहीं। माँ जी मिली नहीं, उनसे कुछ कहा नहीं, तो फिर मेरी बेटी का यह हशर कैसे हुआ? क्यों हुआ? जा रजो को लेकर उन बोनों के यहाँ अभी जा और पूछ के क्या मजाक है। एक बहन को हीरे जवाहरा और दूसरी बहन को मेंढक। और सुन, अगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई तो मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगी, समझी? जा मेरी बेटी, जा इस कमबख्त के साथ जा। अच्छा अम्मी। तेज हवाएं चलने लगी तो ये समझकर कि कहीं तूफान ना आ जाए दोनों ने तेज तेज चलना शुरू कर दिया। अभी थोड़ी दूर गई थी कि बर्फानी रीछ की आवाज आई। खींच लिया। उनकी चीखें सुनकर एक शहजादा जो इधर से गुजर रहा था झील के करीब आया और उसने जब लड़कियों को डूबते हुए देखा तो उनकी तरफ बढ़ना ही चाहता था कि उसकी नजर बीच पर पड़ गई। शहजादे ने फौरन दो तीर निकाले और देखते ही देखते दोनों तीर रीछ के सीने में उतार दिए। मरने के बाद शहजादा भागकर झील के पास गया। नहीं नहीं, आप लोग घबराइए नहीं, जहाँ है वहीं रहिए। हाथ बढ़ाइए, लाइए हाथ, लाइए हिम्मत कीजिए। हाँ, और बढ़ाइए, और थोड़ा। हाँ, काफी देर के बाद शहजादा इन दोनों को झील से निकालने में कामयाब हो गया और उनको झील के किनारे जमीन पर लिटा दिया।
शहजादे ने गुलफाम को अब जो करीब से देखा तो उसकी खूबसूरती देखकर दिलो जान से उस पर फिदा हो गया। आप लोग कहाँ रहती हैं? चलिए मैं आपको घर पहुंचा दूं। अरे ये तो बेहोश हो गई है। बेहोश? अरे ये क्या मेंढक? अरे मेंढक भूल जाइए, आप गुलफाम को देखिए। इनको सर्दी लग गई है, गर्माई की सख्त जरूरत है। नजदीक बोनों की झोपड़ी है, वहीं चलते हैं। चलिए चलिए आइए। वहां नहीं वहां नहीं, यहाँ आग के पास लाओ, इधर। और तौलिया लाकर सर से पानी पोंछो। जल्दी से एक कटोरा गरम दूध लाओ। पानी मुझे दीजिए, मुंह पर छींटे मारता हूँ। नहीं लाइए। गुलफाम तुम्हें क्या हो गया मेरी बहन? आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, खोलिए खोलिए आंखें। मैं कहाँ हूँ? बच्चो 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 बच गए। मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मैंने तुम्हारे साथ कैसी कैसी ज्यादतियां की, कितनी तकलीफें दी, मगर तुमने बदला लेने के बजाय आज मेरी जान बचाई। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भाई। जब बोलो अब तो माफ कर दो। अरे आपके वो मेंढक कहाँ गए? गुलफाम गुलफाम देखो मेंढक खत्म हो गए, मेंढक खत्म हो गए। या अल्लाह तेरा शुक्र है। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे और तीनों बोने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। चलिए मैं आप दोनों को घर छोड़ूं। आप हमारी झोपड़ी में कहाँ जाएंगे शहजादे साहब? हम आपके पहले ही एहसान मंद हैं। गैरों की तरह बातें ना कीजिए, रात हो रही है, आप लोग अकेले कैसे जाएंगे? वैसे भी मैं आपके वाली साहब से मिलना चाहता हूँ। जी बाबा से? चलिए। शहजादे की बहादुरी और खूबसूरती देखकर गुलफाम भी उसे पसंद करने लगी थी। वो इनको लेकर घर आई, बाबा से मिलवाया और सारी कहानी सुनाई। रज्जो ने जब फातो को बताया कि किस तरह गुलफाम ने उसकी जान बचाई तो फातो ने गुलफाम से माफी मांगी। मैंने तुझे बड़ी तकलीफें दी गुलफाम, मेरी बच्ची अब तू भी अपना दिल मेरी तरफ से साफ कर ले। मोची बाबा ने शहजादे का रिश्ता मंजूर कर लिया और फिर वो सब के सब शहजादे के साथ उसके महल चले गए, जहाँ चंद दिनों के बाद शहजादे की शादी गुलफाम से हो गई। वो शहजादी गुलफाम बन गई और इस तरह तमाम लोग हंसी खुशी जिंदगी के दिन गुजारने लगे। Thank you.
बच्चों, ये थी कसत कहानी नंबर 5। अब हम आपको कसत कहानी नंबर 6 की चंद झलकियां सुनवाते हैं। अब मैं आ गया हूँ शहजादी साहिबा, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं और मेरे साथी सफेद हिरनी को अभी मार कर आते हैं। शाहिद महल से थोड़ी ही दूर गया था कि अचानक एक झाड़ी के पीछे उसे वो सफेद हिरनी नजर आ गई। बस उसने अपना घोड़ा फौरन उसके पीछे लगा दिया, मगर देखते ही देखते हिरनी उसकी नजरों से गायब हो गई। शाहिद थक गया था, उसको प्यास भी लग रही थी। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो उसको छोटी छोटी पहाड़ियों के बीच में एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई जहाँ एक बुढ़िया बैठी हुई थी। ओफ, कितनी बदसूरत है ये बुढ़िया, इसकी ये नाक, ओह कितनी खौफनाक है। अरे मुझे, खैर छोड़ो, मगर मुझे क्या, मुझे तो प्यास लगी है, चलकर पानी मांगता हूँ। ये कहकर शाहिद बुढ़िया की तरफ चला। जानवर मर गए, ये मेरे साथी है। कहानी नंबर 6।